हेलो दोस्तों, आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो कि आप घर में बना सकते हैं। मैं आपके लिए एक कसूरी मेथी बनाने की विधि लेकर आई हूँ, आप जरूर जरूर बनाएं। यहाँ हमने 250 ग्राम मेथी ली है। अब हम इसको 3-4 पानी से वॉश करेंगे। अब मैंने मेथी धोने के लिए डाल दी है। अब इसको 3-4 पानी से हम वॉश कर लेंगे। अब हमने 3-4 पानी से वॉश कर लिया। अब इसका पानी को हम थोड़ा निचोड़ देंगे। ये हमने सब मेथी ले लिया। अब इसको सबको हम निचोड़ लेंगे। निचोड़ के हमने इस बाउल में डाल दिया। अब हमारी मेथी धुल चुकी है। अब हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। कैंची से हम बारीक बारीक काट लेंगे। इससे क्या है, जल्दी सूख जाएगी। यदि हम काटेंगे नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में, इसकी वजह से हम काट देते हैं बारीक बारीक। अब ये मेथी है, हम पट्टे में रखकर चाकू से भी काट सकते हैं, दराती से भी काटते हैं बहुत से लोग। अभी क्या है, ये सीजन में थोड़ी मेथी सस्ती भी रहती है, तो इसलिए घर में यदि तुम कसूरी मेथी बनाओगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा। ये हमारी मेथी कट चुकी है। अब हमने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है। अब उसके ऊपर हम मेथी सुखाने के लिए रख देंगे। अब हमने ये मेथी सुखाने के लिए रख दी है। ये हम कम से कम एक दिन और एक रात के लिए ऐसी सुखाने के लिए रख देंगे। पंखे के नीचे भी रख सकते हो, वैसे भी रख सकते हो। ये देखिए, अभी 24 घंटे हो चुके हैं। अब हमारी मेथी थोड़ी खुश्क हो गई है। अब इसको क्या, बारीक काट के भी सुखा सकते हो और साबुत भी सुखा सकते हो वॉश करके। तो साबुत में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और अपन काट के यदि सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। अब हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे। मैंने गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। अब इसको हल्का से सेक देंगे। अब इसमें क्या है, इसको हम सेकेंगे तो थोड़ी सी खुशबू भी अच्छी आती है, और यदि हम धूप में सुखाएंगे तो उसमें क्या है, खुशबू आती नहीं है और कलर भी एकदम ब्लैक हो जाता है और ग्रीन कलर नहीं आएगा। बाज़ार से यदि हम खरीदेंगे तो बाज़ार में थोड़ी महंगी भी आएगी और फिर क्या है, अच्छी चीज़ भी नहीं आती है। हम लोग धो के भी डाल सकते हैं, वो लोग धो के नहीं सुखाते हैं, तो इसकी वजह से हम घर में कसूरी मेथी बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। शुरू में हम गैस तेज़ रखेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ी मीडियम ही रख लेंगे, और मीडियम में क्या है, अच्छी सिक जाती है हमारी मेथी। ये कसूरी मेथी हमारे बहुत काम आती है। हम जितनी भी सब्जियों की ग्रेवी बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, मटरी बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। कभी कभी क्या है, सर्दियों में ये सीजन नहीं होता है तो हम पराठे में भी डाल सकते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब देखिए हमारी मेथी बन चुकी है, कसूरी मेथी। ये देखो कितनी, देखो इस तरह से बनती है कसूरी मेथी। अब इसमें कलर भी एकदम ग्रीन कलर आया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे।
अब हमारी कसूरी मेथी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें बड़ी खुशबू आ रही है। ये विशेष ध्यान रखें कि आप इसको धूप में ना सुखाएं, इसको छाया में ही सुखाएं। कभी एक दिन भी सुखा सकते हो, दो दिन में भी सुखा सकते हो। दो दिन में कभी कभी एकदम बिल्कुल खुश्क हो जाती है, तो आपको सेकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।